जब से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यूसीसी लागू होगा तीसरे टर्म में, तो ममता बनर्जी ने, आप देखिए मंगलवार को क्या कुछ कहा यूसीसी को लेकर, कि यूसीसी आ जाएगा तो आपको ब्रेकफास्ट में गोमूत्र पीना पड़ेगा, खाने में लंच में आपको गोबर खाना पड़ेगा, आपके खाने पीने पर नजर रखेगी। मतलब ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति कर रही है उस पर्टिकुलर वोट बैंक को पटाने के लिए। बिल्कुल उस पर्टिकुलर वोट बैंक को पटाने के लिए, और ये डर भी लग रहा है कि कहीं ये वोट बैंक चिटक के कांग्रेस में नहीं चला जाए, ये इनकी आपस की इनसिक्योरिटी भी है। ममता ने तो आज क्या कहा, ईद होता है, क्रिसमस होता है, बाकी कोई भी त्योहार होते हैं, बकरीद होता है, तो ममता दी कहती हैं बड़ा अच्छा त्योहार है, सब शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाते हैं, बहुत अच्छा है। आज रामनवमी के त्योहार पे वो कह रही हैं आज ये लोग दंगे करवा सकते हैं, मतलब इनके हिसाब से रामनवमी अशांत करने वाला त्योहार है और बाकियों का त्योहार बहुत शांतिपूर्वक का त्योहार है। इनके दिमाग में इस वोट को छोड़ के कोई दूसरा वोट ही नहीं है, चाहे ये जितने घमंडियां हैं, और इनकी यही सोच इनको ले डूबेगी, इनको नष्ट कर देगी। ममता बनर्जी तो सीएए के खिलाफ भी कितना कुछ बोल रही, जबकि सीएए पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे लागू नहीं होने दूंगी। अंजू जी कैसे नहीं लागू, उनका राज चलेगा क्या? सीए फेडरल कानून बन के लागू हो चुका है, और सीए को हम इंश्योर करेंगे कि सीए अच्छी तरह से लागू हो, क्योंकि सीए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। आप वहां पे जितने मऊता समुदाय से आए हुए हैं, वहां पे राजवंशी समुदाय से जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं, क्या वो भारत की नागरिकता के लेने के हकदार नहीं है? एक औरत हो कि उनका दिल पसीजता नहीं है, करुणा नहीं है उनका? लेकिन यही है इस देश की विडंबना है कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता पर बैठे रहते हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। इनकी हालत क्या रहेगी ये खुद नहीं समझते हैं, ये खुद नहीं जानते हैं कि किस तरह से दर दर की ठोकरें खाएंगे ये लोग। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कसम खा चुकी हैं कि उसको मिनी पाकिस्तान बना के रखेंगी, बुला बुला के रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसा बसा के, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, उनको वोटर लिस्ट में शामिल करके जितनी हो सकती है, मतलब अलग लेवल पे बंगाल पहुंचा हुआ है, देश एक अलग लेवल पे है, बंगाल उससे 10 गुना ज्यादा एक अलग लेवल पे है। तो ये बहुत विडंबना है देश की, और वहां की जनता हाहाकार कर रही है। संदेश खाली कोई एक जगह की घटना नहीं है, पूरे बंगाल में जुड़िएगा तो ऐसे कम से कम 100 से ऊपर संदेश खाली मिलेंगे। इसका प्रतिकार तो जनता अब कर रही है, ये सड़कों पर दिख रहा है, और आने वाले समय में ये बिल्कुल विराट रूप लेगा। सर, संदेश खाली जैसी घटनाएं तो वहां बहुत हो रही हैं, आप और बहुत इलाके होंगे ऐसे जहां पर ममता बनर्जी के गुंडे ये सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप देखिए हमारी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी वहां सुरक्षित नहीं है। सीबीआई के साथ क्या हुआ था पास्ट में आपको याद होगा, नहीं बिल्कुल, उसके जहां पे बाद लॉलेस, अभी जहां जी लॉलेसनेस हो जाए, जहां अराजकता फैल जाए, जहां लॉलेसनेस हो जाए, जहां राज्य सरकार की पुलिस गुंडों की तरह काम करने लगे, तो वहां पे एजेंसियां, बाकी लोग सुरक्षित बिल्कुल नहीं रहेंगे। और आज यही कारण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए वहां पे इतनी ज्यादा रिजर्व पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर रहा है, और इन सब का जवाब लोकतंत्र में सिर्फ वोट के माध्यम से ही दिया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोगों को वोट की चोट पहुंचा के ही जनता की आंखों के सामने, जनता ही नंगा करती है, कोई दूसरा नहीं करता है। हम तो एक राजनीतिक दल है, हम से जनता की आवाज बन सकते हैं, लेकिन वो ताकत जनता को देनी है, बंगाल की जनता वो ताकत हमें देगी, इसी का हमें पूरा भरोसा है। और ये देश कभी भी विकृतकारी ताकतों के आगे कभी झुका नहीं है, और ना ही कभी झुकेगा, ये भी तय है। लेकिन ममता बनर्जी के विधायक लोगों को डरा धमका रहे हैं कि देखिए 24 के बाद तो हमारी ही फोर्स यहां रहेगी, आपको हमारे साथ ही रहना है, वोट सोच कर डालिएगा, उंगलियां भी कट जाती हैं। ये काम ममता के विधायक नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका में ये काम कांग्रेस के मंत्री भी कर रहे हैं। इतने के लीड चाहिए, नहीं तभी यहाँ पे 2 करोड़ या 20 करोड़ की फंडिंग दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा, 5 साल ऐसे ही बैठोगे तुम लोग। ये काम हो रहा है, माननीय चुनाव आयोग इसका नोटिस भी लेगा, लेकिन मैं वही कहूँ ना कि एक इंतहा आ गई है बंगाल में, एक लेवल स्टैब्लिश हो गया है कि अब इससे ज्यादा टॉलरेंस की लेवल नहीं है, और जब जब जनता के सब्र का बांध टूटता है ना, तो वो किसी बाढ़ से ज्यादा खतरनाक होता है, और वो किस तरह की सुनामी आएगी बंगाल में, वो ममता दीदी को इस बार अभी और विधानसभा चुनाव दोनों में पता चलने जा रहा है। आलोक जी, ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी बहुत कमाल करने जा रही है, ए अन्नामलाई वहां पर बड़े दमखम के साथ डटे हुए हैं। देखिए, के अन्नामलाई एक बहुत पढ़े लिखे पूर्व आईपीएस ऑफिसर, जिसका एक बहुत क्रेज था कर्नाटका में, वो सब चीज छोड़ के वो आए हैं तमिलनाडु में, एक अलग अलग जगह में, जिसमें उनकी बहुत सफलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 राज्य हैं, 4 जून 2024 4 राज्य सरप्राइज देने वाले हैं।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा और केरल। जिस तरह हमने पिछली बार पश्चिम बंगाल में सरप्राइज दिया था 19 सीटें जीत के, 4 जून 2024 फिर से 4 राज्य सरप्राइज देंगे इस देश को, और देश को लगेगा कि देश की जनता पॉलिटिकली कितनी मैच्योर्ड है कि उसे अपना मत बदलने में समय नहीं लगता है, और ये भी तय करेगा कि जो काम करता है वो पीछे नहीं रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अगर काम कर रहे हैं तो जनता उस काम को देख रही है, उस काम को पहचान रही है और उसी काम के हिसाब से वोट आएगा। सर, बिहार में लालू प्रसाद फैमिली पूरी तरह से मैदान में कूद गई है, मीसा भारती हैं, तो क्या जिस तरह की बयानबाजी वहां से आ रही है, अभी हमने मछली खाने की बात भी की नवरात्र में जो वीडियो डाला था, मुझे लगता है इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है तेजस्वी के मामले में। अरे लालू परिवार के तो 6 लोग आ गए राजनीति में, 5 और बचे हुए हैं, 5ों को भी लॉन्च कर देते लेकिन फिर थोड़ा नुकसान हो जाता पैसे रुपए का। इस बार अभी 6 पे हैं, अगली बार से अगर बचे, पार्टी बची, तो अगली बार फिर लालू जी देखेंगे। वैसे बिहार में तो रिजल्ट तय है, 40-40 में ये लोग साफ, कोई उपाय नहीं होने वाला है इनका, चाहे मछली खाएं चाहे मटन बनाएं, बेसिकली एक सब इतिहास के कूड़ेदान में और राजनीतिक कूड़ेदान में जाने वाले हैं। इतिहास ऐसे ऐसे लोगों को याद रखेगा जिन्होंने बिहार को नर्क में ठेल दिया है 15 साल। वो तो नीतीश जी ने इनको कांधा दे दिया, इनको ऑक्सीजन मिल गई, नहीं तो ये पार्टी तो बहुत पहले खत्म हो जाती। और बिहार देख रहा है कि घूम फिर के वही तेजस्वी, वही मीसा, वही रोहिणी, मतलब पूरी की पूरी राजनीति अपने ही परिवार पे, बाकी बाहर कोई नहीं। बाकी इनको यादव भी नहीं दिखता है ना, इनको और अखिलेश को यादव भी अपने घर में दिखता है। अखिलेश को देखिए, बदायूं से शिवपाल के बेटा, कभी बदायूं, कहीं अपनी बीवी, कहीं अपने भतीजा धर्मेंद्र यादव, कहीं से ये सब परिवार में ही है, परिवार के ही चट्टे बट्टे हैं, परिवार में ही रह जाएंगे। पर अभी आप देखो कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, प्रशांत भूषण लेकर गए थे, बैलेट पेपर से होना चाहिए, मतलब क्या कहा जाए? ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में नेता फ्रंट फोर्स पे है जो फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड स्टेज पे इस इकोसिस्टम में वकील भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, समाज के बुद्धिजीवी भी हैं, राइटर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, जो ब्रेन चाइल्ड अपना लगाते रहते हैं कि कैसे कैसे डिस्टर्ब करना है, कैसे कैसे क्या करना है। ये इकोसिस्टम इतना प्रभावी है कि जर्मनी से आवाज़ निकल जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए, इंग्लैंड से निकल जाती है खालिस्तानी समर्थकों द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए, भारत के लोकतंत्र के बारे में यूएन से भी कहलवा देते हैं ये लोग। ये इकोसिस्टम बहुत प्रभावी है। इस इकोसिस्टम के 3 रंग हैं, अपर रंग, मिडिल रंग एंड लोअर रंग। अपर रंग में जिसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम से ये धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। मिडिल रंग में 10 साल की हमारी सरकार हो चुकी है, मिडिल रंग में ऑलमोस्ट क्लियरेंस, लोअर रंग में बचे हुए हैं, तो ये बलबला रहे कि अब हम भी साफ होंगे। तो जब तक ये पूरा इकोसिस्टम क्लियर नहीं होगा, देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। तो अब इकोसिस्टम क्लियरेंस की बारी है, इन लोगों को अपने आप, ये लोग चूंकि एक्सपोज हो रहे हैं तो जनता इनको अपने आप निपटाते जाएगी। सर, 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, तो हम यही मानकर चले 400 पार अभी भी कायम है, क्योंकि विपक्ष तो अभी से ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग तो 180 का आंकड़ा देना शुरू हो गए हैं। अब एक तरफ हमें 180 देते हैं, फिर कहते हैं 400 पार नहीं होगा, तो फिर ईवीएम का रोना क्यों रो रहे हैं? जब हमको 180 आएंगी नहीं तो ईवीएम का रोना क्यों रो रहे हैं? एक ही रोना रोए ना। जहां तक बीजेपी की बात रही तो 370 प्लस और एनडीए 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आज जो 4 मिनट का रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ है, उसको आपको क्या लगता है देश भर में कितने लोगों ने टीवी पे देखा होगा? मैंने भी देखा। देश भर में कम से कम मैं बार का डाटा दे रहा हूं आपको, कम से कम 40 करोड़ से ऊपर लोगों उस टीवी पे देख रहे थे। तो देश एक अलग मस्ती में है, एक अलग झूम में है। सबको रामनवमी की फिर से बहुत बहुत बधाई, और रामलला और राम राज्य के हिसाब से ही देश चलेगा, गाजियों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और समय निकाला आपने मुझसे चर्चा करने के लिए, तमाम तरह के विषयों पर मैंने एक साथ बहुत सारे विषय ले लिए, क्योंकि आप बहुत कम मिल पाते और आप मेरे दर्शक आपको जरूर देखना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, परसों से लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो रहा है। अपने दर्शकों को बस एक संदेश दीजिए कि हर कोई खुद भी वोट देने जाए इस गर्मी में, और बाकी 10 आदमी को भी निकाल के लेके जाए वोट देना, एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र का महापर्व है, सबको इसमें हिस्सा लेना है, जो जो वोट दे सकते हैं कृपया करके घर से बाहर निकलें और इस पर्व में शामिल हो और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी जी। नमस्कार, जय श्री राम।